बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भ्रमण दौरे के दौरान चंबा मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि चंबा मेडिकल कॉलेज में लंबे अरसे से टीचरों का अभाव है और इस अभाव के चलते उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र चंबा मेडिकल कॉलेज में अध्यापकों की व्यवस्था की जाए ताकि बड़ी बड़ी दूर से डॉक्टरी का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु डॉक्टरों को पढ़ाई का नुकसान ना हो। बुधवार को ये प्रशिक्षु डॉक्टर जयराम ठाकुर से मिले और उन्होंने एक मांग पत्र जयराम ठाकुर को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की चंबा मेडिकल कॉलेज में तैनात प्रशिक्षु डॉक्टरों को बिना अध्यापकों के पढ़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि बिना डॉक्टरों के उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज चंबा में अध्यापकों की तैनाती की जाए। आप क्या मांगे लेकर आप मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं? सर, हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि हमारे कॉलेज में टीचर्स की बहुत कमी है, हमारे यहाँ पे फैकल्टी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, जिससे हमारी पढ़ाई सफर हो रही है और हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो। ये कब से समस्या आ रही है आपको? जब से कॉलेज शुरू हुआ तब से समस्या हो रही है। अभी तक हमने बहुत तरीकों से बात करने की कोशिश करी बट अभी तक तो कोई हमें समझ नहीं आया। आपने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से, और सरकार के पास अभी पहुँच रहे हैं? इससे पहले आपने वहाँ के विधानसभा सदस्य जो और मेयर से बात की थी? बिल्कुल सर, हमने जो भी हमारे अथॉरिटीज है हमारे पास, हमने उनके थ्रू अप्रोच करने की कोशिश की सरकार को, बट फेस टू फेस हमें आज पहली बार मौका मिला सीएम सर से मिलने का, तो हम चाहेंगे वो हमारी बात सुने और मैं विश्वास जताता हूँ कि वो हमारी बात सुनकर इसको इस पर काम करेंगे और हमें आश्वासन देंगे। इस वक्त कितने प्रशिक्षु चंबा मेडिकल कॉलेज में जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं? सर, चंबा मेडिकल कॉलेज में अभी 4 बैचेस चल रहे हैं जिसमें 120 बच्चे इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। अभी 5वां बैच 120 बच्चों का और आएगा और इसी साल अगले साल हमारा एक बैच पास आउट होगा, जो अगले साल डॉक्टर्स लगेंगे, सीधे एमओज लगेंगे। क्लासरूम की क्या समस्या है वहाँ पर? सर, देखो हमारे कॉलेज में टोटल 440 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे। एक बैच फाइनल ईयर में, जो नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप में जाने वाले हैं, और अभी इस साल नीट के थ्रू एक नया बैच भी आएगा, तो हमारे पास इस समय फैकल्टीज की काफ़ी शॉर्टेज है, तो हम चाहते हैं कि वो शॉर्टेज खत्म हो। हमारी पढ़ाई सफर हो रही है और हम चाहते हैं। ओके, ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्रैवल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।